Hello, bachon. Let's read this question. Given below are few statements about respiratory disorders. Identify the correct statement regarding occupational respiratory disorder. यहाँ पर दिया है in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking. So much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation, potentially leading to serious lung damage due to prolonged exposure. तो यहाँ पर ये statement correct हो जाता है. ठीक है, अब अगर हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर स्टोन ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग ये सब काम हो रहे हैं, जिसके वजह से जो डस्ट प्रोडक्शन होता है वहां पर वो बहुत हाई होता है. ठीक है, इतना हाई होता है कि जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है फुल्ली कोप नहीं कर पाता उसके साथ, और फुल्ली कोप नहीं कर पाएगा लॉन्ग एक्सपोजर में वो लोग रहेंगे जो वर्कर्स वहां के लॉन्ग एक्सपोजर में रहेंगे, तो लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और क्या कर देते हैं ये, सीरियस लंग डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल, लंग डैमेज. ओके, तो यहाँ पर ऐसे इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनने के लिए सजेस्ट किया जाएगा. ठीक है, प्रोटेक्टिव मास्क दिए जाते हैं. यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए, कि जो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग चल रहा है, डस्ट प्रोड्यूस होता है जिससे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म फुली कोप नहीं कर पाता, और उसके वजह से सीरियस लंग डैमेज हो जाता है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से. तो यहाँ ये करेक्ट है. It is characterized by breathing difficulties and wheezing resulting from inflammation of bronchi and bronchioles. So, ये incorrect हो जाते हैं. ये correct किसके लिए है? Asthma के लिए. Asthma में यही देखा जाता है, difficulty होती है breathing में, wheezing हो जाती है यहाँ पे, inflammation of bronchi and bronchioles इसका reason. Prolonged exposure to high level of dust in certain industries can result in inflammation and fibrosis of lung tissues, necessitating The use of protective mask by worker, ये करेक्ट हो जाता है occupational respiratory disorder. Cigarette smoking is a significant contributor to the development of this condition. तो occupational respiratory disorder के लिए cigarette smoking significant contributor नहीं है. ओके, ये इसका रोल देखा जाता है emphysema में. Emphysema एक chronic disorder होता है जिसमें alveolar wall damage हो जाते हैं, जिसमें major जो मेजर कॉज माना जाता है ना इसका एम्फाइसिमा का, वो सिगरेट स्मोकिंग माना जाता है. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है हमारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए. दो स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 190 एंड 191 पर गिवन है.